नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। इन दिनों वो अपने बयान की वजह से बुरी तरह फंस गई हैं। बीजेपी ने भी उनके बयान से कन्नी काट ली है। दरअसल हाल ही में अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर विवादित बयान दे दिया था। कंगना रनौत ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत में कहा था कि किसान आंदोलन में क्या हुआ था, वो सब ने देखा था कि वहाँ रेप हो रहे थे और मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। कंगना के इस बयान पर बवाल मच गया है। तमाम विपक्ष ने कंगना की आलोचना करते हुए मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। कोई कंगना को बीजेपी से सस्पेंड करने की बात कर रहा था तो कोई किसी ने कंगना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। अब विवाद बढ़ता देख इस मामले पर कंगना ने चुप्पी तोड़ दी है। कंगना ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांग ली है। इसी के साथ ये भी खुलासा किया है कि कुछ लोग उन्हें दबाना चाहते हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी आलाकमान ने कंगना के पिछले कुछ बयानों को लेकर उनकी पटकार लगाई थी। मोदी भी किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और कंगना की आलाकमान ने पटकार लगा दी, जिसके बाद अब कंगना ने अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है। कंगना ने एक लीडिंग वेबसाइट में बातचीत में किसानों से माफी मांगते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीति में मैं छोटे लेवल पर हूँ, पार्टी का नेतृत्व बड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम छोटे लेवल पर सोच नहीं पाते हैं कि क्या होगा, अवश्य ही राष्ट्र रहना चाहिए। मैंने अगर किसी तरह से किसी को हर्ट किया है तो हमें खेद है। इसके अलावा कंगना रनौत ने उन्हें धमकी देने वालों पर भी तंज कसा। कंगना रनौत ने कहा कि हमें जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं ये क्रिमिनल का काम है। मुझे नहीं लगता कि ये किसान है, ये लोग मुझे दबाना चाहते हैं। तो देखा आपने, कंगना रनौत ने अपने बयानों के लिए खेद जताते हुए उन्हें धमकी देने वालों को भी करारा जवाब दिया है। बता दें कि कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर जो बयान दिया था उससे बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी ने कंगना के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिपेक्ष में दिया गया बयान पार्टी का बयान नहीं है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही ये बयान देने के लिए अधिकृत है। अब चलिए बताते हैं आपको कि कंगना ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से न सिर्फ किसान बल्कि विपक्ष भी उन पर बरस पड़ा। फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के दौरान कंगना ने किसान आंदोलन पर बयान देते हुए कहा था, आज हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सबने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वॉयलेंस फैलाया जा रहा था, वहां रेप ही हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी, उस पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना कुछ भी कर सकते थे। इसके पीछे चीन अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। बता दें कि बीजेपी आलाकमान ने हिमाचल की भंडी सीट से कंगना रनौत को लोकसभा चुनाव लड़वाया था। कंगना के लिए प्रचार करने के लिए पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी खुद हिमाचल आए थे। इस दौरान पीएम मोदी और योगी ने कंगना की जमकर तारीफ भी की थी। कंगना ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य को बड़े मार्जिन से हराया था। बात करें कंगना की फिल्म इमरजेंसी की तो फिल्म 6 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी। कंगना की इस फिल्म पर विवाद खड़ा हो गया है। सिख समुदाय ने फिल्म को बैन करने की मांग कर दी है। सिखों का कहना है कि इस फिल्म में सिखों को गलत तरह से पेश किया गया है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इमरजेंसी में कंगना भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में काम करने के साथ साथ उन्होंने इसे डायरेक्ट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। वैसे जिस तरह से अब कंगना ने किसानों पर दिए बयान के लिए माफी मांगी है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।